हेलो फ्रेंड्स, जोन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टडी करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। पिछले वीडियो में हमने आपको ये चार्ट दिखाए थे, वंस पीरियड में आते हैं, थाउजेंड टेन थाउजेंड्स एंड हंड्रेड थाउजेंड, ये प्लस थाउजेंड्स पीरियड में आते हैं, मिलियंस टेन मिलियंस एंड हंड्रेड मिलियंस से मिलियंस पीरियड में आते हैं। और आपको हमने कंपेरिजन भी बताए थे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इन दोनों के बीच में। तो आइए आज हम थोड़ा डिटेल में इसके आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में आज हम सेवन डिजिट्स एंड एट डिजिट्स एंड नाइन डिजिट्स पर डिस्कस करेंगे। और देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन प्लेस वैल्यू चार्ट, अ टेबल शोविंग प्लेस। प्लेस वैल्यू चार्ट किसको कहा जाता है? अ टेबल शोविंग प्लेस वैल्यूज ऑफ डिजिट्स, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स ऑफ वन और मोर नंबर्स इज कॉल्ड द प्लेस वैल्यू चार्ट। इट इज डिवाइडेड इंटू पीरियड्स, वंस पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड एंड मिलियंस पीरियड। तो आइए हम देखते हैं चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट्स। यहाँ देख रहे हैं आप इंटरनेशनल सिस्टम में ये थ्री पीरियड्स होते हैं, वंस पीरियड, थाउजेंड पीरियड एंड मिलियंस पीरियड। ओके, और प्लेस कौन से होते हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड, वंस पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड में देखते हैं प्लेस हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड थाउजेंड, एंड मिलियंस पीरियड में भी आप देख सकते हैं प्लेसेस हंड्रेड मिलियन, टेन मिलियंस एंड मिलियंस। तो आइए सबसे पहले डिजिट देखते हैं, कितने डिजिट्स है ये काउंट कर लीजिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सेवन डिजिट्स हैं। सेवन डिजिट्स को हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में रखे हैं। देखिए तो आप इस तरह से नंबर हमने रखे प्लेस वैल्यू चार्ट में, तो आप इसको रीड भी कर सकते हैं यदि आपको पता होगा तो। फोर मिलियन फाइव हंड्रेड सिक्सटी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी टू, इस तरह से हम आपको रीड कर आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं एट डिजिट्स इसमें काउंट कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट डिजिट्स हैं। एट डिजिट्स टेन मिलियन से स्टार्ट होता है, सेवन डिजिट्स मिलियन से स्टार्ट होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। इसके बाद देखेंगे नाइन डिजिट्स, नाइन डिजिट्स हंड्रेड मिलियन से स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने यहाँ प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हमें इस तरह से नंबर मिलते हैं, फोर मिलियन फाइव हंड्रेड सिक्सटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी टू, देन ट्वेंटी टू मिलियन थ्री हंड्रेड फोर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टी वन एंड 945,251,582। इस तरह से हमें नंबर्स इस प्लेस वैल्यू चार्ट से मिलते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। जो डिजिट्स होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, डिजिट्स के वैल्यू सेम है। इंडियन सिस्टम में भी प्लेस वैल्यू एंड इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस वैल्यू सेम होता है, लेकिन उनका रीडिंग डिफरेंट होता है। हम इंडियन सिस्टम में लाख, टेन लाख, थाउजेंड, करोड़ एंड टेन करोड़ में बोलते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियंस स्टार्ट होता है, मिलियंस, टेन मिलियंस, हंड्रेड मिलियंस, हंड्रेड थाउजेंड, इस तरह से प्लेसेस होते हैं। तो आइए एक एग्जांपल है इस नंबर का, हमें प्लेस वैल्यू निकालना है सभी डिजिट्स के इस नंबर में। तो आइए इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ इस डिजिट 985,289,443 का हमें इन डिजिट्स के प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरह से हम देखते हैं प्लेस वैल्यू थ्री, इस नंबर में वंस प्लेस में क्या है? थ्री, प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री इज थ्री। ओके, देन प्लेस वैल्यू ऑफ फोर इज फोर। इसमें आपको एक ध्यान रखना है, फोर के बाद कितने डिजिट हैं? वन डिजिट है, तो फोर में आप वन जीरो लगाइए तो आपको फोर का प्लेस वैल्यू मिल जाएगा 40। ध्यान फाइव, फाइव हंड्रेड प्लेस में है तो हंड्रेड, फाइव के बाद कितने डिजिट्स हैं? फोर एंड थ्री, टू डिजिट्स है, तो फाइव में आप टू डिजिट लगा दीजिए तो आपको फाइव का प्लेस वैल्यू मिल जाएगा 500। इस तरह से 500 मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस नंबर। ध्यान डिस्कस करते हैं नाइन पर, नाइन थाउजेंड प्लेस में है, कौन से पीरियड में आएगा? थाउजेंड्स पीरियड में आएगा। ओके, अब नाइन का हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करना है फ्रेंड्स, तो नाइन के बाद कितने डिजिट्स हैं? फाइव, फोर एंड थ्री, ये थ्री डिजिट है, वन टू थ्री, फाइव वन फोर टू एंड थ्री। ओके, इस तरह से थ्री डिजिट्स हैं तो हमें नाइन में भी थ्री जीरो लगा दीजिए तो आपको नाइन का प्लेस वैल्यू मिल जाएगा। वैसे एट की भी बात है, एट के बाद जितने डिजिट आते हैं उतने डिजिट आप एट में लगा दीजिए, फोर डिजिट आ रहे हैं तो फोर जीरो लगा दीजिए तो आपको एट का प्लेस वैल्यू मिल जाएगा। वैसे टू में भी, टू के बाद देखिए कितने डिजिट्स हैं, फाइव डिजिट्स आ रहे हैं तो फाइव जीरो लगा दीजिए तो टू की भी हमें प्लेस वैल्यू मिल जाएगा। फाइव, अगेन फाइव या रिपीट हुआ है इस नंबर में, तो देखिए फाइव के बाद कितने डिजिट्स है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स,
तो फाइव में कितने जीरो लगाएंगे हम, सिक्स डिजिट जीरो लगाएंगे, राइट। तो हमें फाइव का प्लेस वैल्यू मिल गया। ध्यान, चलो फाइव का प्लेस वैल्यू कितना हो गया, यहाँ रीड कीजिए, वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड फाइव मिलियन। ओके, क्या प्लेस वैल्यू होगा, फाइव मिलियन। ध्यान एट, एट में भी कितने, इस एट के बाद कितने डिजिट है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो एट में सेवन डिजिट, सेवन जीरो लगा देंगे तो हमें एटी मिलियन मिल जाएगा। और नाइन की नाइन की बात करेंगे तो नाइन में कितने डिजिट लगाएंगे, एट डिजिट लगाएंगे, क्योंकि नाइन के बाद कितने डिजिट है यहाँ नंबर में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, एट डिजिट्स आ रहे हैं, तो एट डिजिट लगा देंगे तो हमें 900 मिलियन इस तरह से प्लेस वैल्यू मिलेगा नाइन का। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको प्लेस वैल्यू निकालना आ गया, बहुत इजी है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझा होगा। हम आगे देखेंगे एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म किसको कहा जाता है फ्रेंड्स, आपको पता होगा, अ नंबर व्हेन एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ प्लेस वैल्यू। अभी इसके पहले हमने प्लेस वैल्यू निकाले है सबका, इस नंबर में प्लेस वैल्यू फाइंड किए, इनका सम किया जाता है, जब सम शो करते हैं, अ नंबर व्हेन एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ इट्स डिजिट्स इज सेड टू बी एक्सपांडेड फॉर्म। ये जो हमने प्लेस वैल्यू निकाले हैं, इनको प्लस शो करते हैं, सम शो करेंगे, जैसे 900 मिलियन प्लस 80 मिलियन प्लस 5 मिलियन प्लस 200,000 प्लस, ऐसा हम शो करेंगे तो वो होगा एक्सपांडेड फॉर्म। आइए आगे दिखाते हैं हम आपको, एक्सपांडेड फॉर्म एग्जांपल हम देखेंगे। एग्जाम्पल राइट, कितने डिजिट से, यहाँ देख लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन डिजिट्स है, नाइन डिजिट्स 100 मिलियन से स्टार्ट होता है, तो 974 मिलियन 389,154। ओके, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम नाइन लेंगे इस नंबर में, और नाइन के बाद कितने डिजिट्स हैं वो काउंट कर लीजिए, और उतने ही जीरो नाइन में लगा दीजिए। हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में यही मैंने आपको फार्मूला बताया था, सेम वही हमें फॉलो करना है, और प्लस लगा दीजिए, प्लस का साइन वहाँ लिख दीजिए, हो गया। उसके बाद नाइन के बाद कौन सा डिजिट है, सेवन, सेवन के बाद और कितने डिजिट्स आ रहे काउंट कर लीजिए और उतने जीरो लगा दीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन डिजिट है तो सेवन जीरो लगा दीजिए। उसके बाद सेवन के बाद कौन सा डिजिट है, फोर, इस तरह से आप वो नंबर के बाद जितने डिजिट आते हैं उतने जीरो आप डालते जाएंगे, तो इस तरह से हमें एक्सपांडेड फॉर्म मिलेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें हमें प्लस का साइन यूज़ करना है। इस तरह से हमें एक्सपांडेड फॉर्म मिल गया इस नंबर का। अब देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, न्यूमरल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, न्यूमरल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म। मान लीजिए पिछले एग्जाम्पल में हमने देखे है कि ऐसे एक्सपांडेड फॉर्म हमने तैयार किए हैं, रेडी किए, इसी एक्सपांडेड फॉर्म को न्यूमरल में लिखा जाता है, जिस तरह से न्यूमरल है, यही उस एक्सपांडेड फॉर्म का न्यूमरल है। तो मान लीजिए हमें एक्सपांडेड फॉर्म दिया गया एग्जाम्पल में, और आप उसका न्यूमरल फॉर्म कैसे तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी यही बात सिखाया था, और इंटरनेशनल सिस्टम में भी सेम लागू होता है कि आपको डिजिट्स काउंट करना है। ये जो एक्सपांडेड फॉर्म दिए गए हैं, डिजिट्स काउंट करना है। ये जो इस, मान लीजिए फर्स्ट जो नंबर दिया गया है एक्सपांडेड फॉर्म में, टू एट टू थ्री सिक्स सेवन एट टू जीरो थ्री, तो इसमें आप टोटल डिजिट्स काउंट करते जाना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सभी का वन वन डिजिट कम होते जाना चाहिए काउंटिंग में, राइट। जैसे टू में कितने जीरो लगे हैं, टू वन डिजिट हो गया, देन जीरो भी काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन डिजिट हो रहे हैं। उसके बाद इसमें एट डिजिट आना चाहिए, फिर उसके बाद सेवन डिजिट आना चाहिए, फिर सिक्स, फिर फाइव, देन फोर, थ्री, टू, वन, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में उनका डिजिट्स नंबरिंग जाना चाहिए। ओके, तो उस तरह से अगर डिफरेंस नहीं आ रहा है तो हम आसानी से आंसर लिख सकते हैं, जैसे टू एट टू थ्री सिक्स सेवन टू एट टू थ्री, राइट, क्योंकि इनमें किसी में भी डिफरेंस नहीं है, सब डिसेंडिंग ऑर्डर में बराबर कम नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं, राइट। तो इस तरह से बहुत ईजी है न्यूमरल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म निकालना। इसके बाद देखेंगे नंबर नेम, नंबर नेम बहुत ईजी है। जैसे हम किसी भी डिजिट या किसी भी नंबर को रीड करते हैं या बोलते हैं, सेम
वैसे हमें लिखना होता है। जैसे राइट द नंबर नेम ऑफ, अब इसमें सबसे पहले आप ये काउंट कर लीजिए कि कितने डिजिट्स है इस नंबर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स आ रहे हैं। तो इंटरनेशनल नंबर के नाम लिखने के लिए अगर स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, सबसे पहले पीरियड्स वाइज नंबर डिजिट्स फाइंड कर लीजिए। जैसे 142 इज इन मिलियंस पीरियड, राइट, तो हमने सेपरेट भी कर दिया कॉमा देकर। जैसे आपको किसी इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर नेम लिखना है तो आप उसको कॉमा देकर सेपरेट कर सकते हैं। हमें पता है कि 3-3 प्लेस आते हैं सभी पीरियड में, तो 3-3 डिजिट्स को हम सेपरेट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पता चल रहा है पीरियड्स होते हैं वंस पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड एंड मिलियन पीरियड्स। तो 142 कौन से पीरियड में आते हैं, मिलियंस पीरियड में आते हैं। देन 147 थाउजेंड्स पीरियड में आते हैं और 964 ये वंस पीरियड में आते हैं। इतना में कंफर्म हो गया, तो आसानी से अब हम इसका नंबर नेम लिख सकते हैं। नंबर नेम क्या होगा, 142 मिलियन। जैसा 142 न्यूमरल में लिखा है जैसे कि वैसे हमें वर्ड में लिखना है। 142 लिख के हो गया, उसके बाद जिस पीरियड में आता है वो पीरियड लिख दीजिए, उसके बाद मिलियन। इजी है फ्रेंड्स, 142 लिख दीजिए, 142 लिख के हो गया, उसके बाद मिलियन। जिस पीरियड को बिलोंग करता है वो पीरियड यहाँ लिखना है हमें, मिलियन पीरियड को बिलोंग करता है नंबर्स, तो 142 मिलियन। ओके, देन 147 किस पीरियड को बिलोंग करता है, थाउजेंड पीरियड। तो पहले वर्ड में आप 147 लिख दीजिए और जिस पीरियड को ये नंबर बिलोंग करता था वो प्लेस पीरियड लिख दीजिए, थाउजेंड, 147 थाउजेंड। देन 964 किस पीरियड को बिलोंग करता है, वंस पीरियड। तो वंस पीरियड में वंस पीरियड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि वैसे 964 लिख दीजिए। तो फ्रेंड समझ में आ गया कैसे नंबर नेम लिखते हैं। नंबर नेम 142 मिलियन, 147,000 एंड 964। तो शुरुआत में आपको क्या करना है, कॉमा देकर पीरियड वाइज आप सेपरेट कर दीजिए, तो बहुत इजी जाएगा नंबर नेम लिखने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, बहुत इजी जाएगा। इंडियन सिस्टम में भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये समझा होगा। इसके बाद न्यूमरल फॉर्म नंबर नेम, मान लीजिए नंबर नेम दिया हुआ है तो उसका न्यूमरल फॉर्म कैसे लिखेंगे। इसके पहले हमने देखे हैं कि न्यूमरल दिया हुआ है तो नंबर नेम लिखना है। अब नंबर नेम दिया हुआ है तो उसका न्यूमरल फॉर्म हमें निकालते आना चाहिए, 59 मिलियन, 59 मिलियन। देन 209,000 एंड 417। अब 59 लिखा है तो पहले आप 59 लिख दीजिए, राइट, मिलियन में आ रहा है। मिलियन में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, ओनली 59, टू डिजिट्स आ रहे हैं। ओके, थ्री डिजिट्स नहीं है ये, 59। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 59 एंड 209,417। हो गया, बहुत इजी है। जैसा पीरियड में दिए गए ना, 59 है, देन 209 है एंड 417, तो हमें इस तरह से लिखते आना चाहिए। 59 मिलियन पीरियड में है, आप इसको कॉमा देकर भी सेपरेट कर सकते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे अदर एग्जांपल, 211 मिलियन, यहाँ थ्री डिजिट्स आ रहे हैं, 211 मिलियन, 281 एंड 1099। इस तरह से यहाँ तो आपको पता है फ्रेंड्स, यहाँ वंस पीरियड में केवल दो डिजिट दिखा रहे हैं, 99 आएगा। इसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए हमें पीरियड्स भी कवर करना है, तो 211 आ गया, देन 281, देन 99। लेकिन आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में वंस पीरियड में थ्री डिजिट होते हैं, तो यहाँ टू डिजिट्स हैं, तो थर्ड प्लेस 100 वाले प्लेस में आपको जीरो लिखना पड़ेगा। इस तरह से 211 मिलियन 281,099, इस तरह से आपको न्यूमरल फॉर्म मिल गया है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस लेसन में समझा होगा कि कैसे इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस चार्ट होता है, प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, उसका दिए गए नंबर का सभी डिजिट्स का हम प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड किए हैं, एक्सपांडेड फॉर्म देखे हैं और न्यूमरल फॉर्म भी देखे। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये लेसन समझा होगा। थैंक यू वेरी मच।